नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया भर की राजनीति। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके वीडियो की शुरुआत में ही एक छोटा सा अरविंद केजरीवाल जी का वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा, ताकि आज के हमारे वीडियो का मकसद आप समझ पाए। तो पहले आप ये वीडियो एक बार देख लीजिए। मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरा पहला प्रश्न है मोहन भागवत जी से, जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देके या ईडी और सीबीआई की धमकी देके डरा के दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, क्या यह देश के लिए सही है? मेरा दूसरा प्रश्न है उनसे, देश भर में सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हो? क्या आपने कभी ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप आज की बीजेपी के इन कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से यह सब ना करने के लिए बोला? मोहन भागवत जी बताएं कि क्या आपने मोदी जी को यह सब गलत हरकतें करने से रोका कभी? मेरा चौथा प्रश्न है मोहन भागवत जी से, जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि आज मां को आंखें दिखाने लग गया? जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, जिस बेटे को प्रधानमंत्री बनाया, आज वो बेटा पलट के मां को अपनी आंखें दिखा रहा है। मातृतुल्य संस्था आरएसएस, आज वो बेटा अपनी मातृतुल्य संस्था को आंखें दिखा रहा है। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने यह कहा तो आपके दिल पे क्या गुजरी, आप जरा बताइए इस देश को। मेरा पांचवा प्रश्न मोहन भागवत जी से मैं कहना चाहता हूं, आप ही लोगों ने मिलकर कानून बनाया था कि 75 साल के होने पे कोई भी व्यक्ति रिटायर होगा। वीडियो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधन कर रहे थे, जिसमें उन्होंने आरएसएस के सरसंघचालक मोहन जी भागवत को कुछ सवाल पूछे। अब ये सवाल पूछकर अरविंद केजरीवाल जी आखिर क्या हासिल करना चाह रहे थे, ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर उनका असली मकसद क्या था? क्योंकि अगर उन्हें आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच दरार पैदा करनी है तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से सवाल पूछकर कुछ भी होने वाला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जानते ही नहीं हैं कि आरएसएस कैसे काम करती है। अगर मैं शार्क टैंक की भाषा में बोलूं तो आरएसएस की सबसे बड़ी यूएसपी क्या है, तो वो है आरएसएस की संगठन शक्ति, जो इतनी बड़ी होने के साथ साथ काफी स्ट्रक्चर्ड भी है और काफी साइलेंट वे में वो अपना काम करती रहती है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो चलता ही है आदेशों के ऊपर, जहां आरएसएस के स्वयंसेवक बस उस आदेश का पालन करना जानते हैं। आरएसएस को ना ही किसी इनाम की अपेक्षा होती है और ना ही वो किसी प्रमोशन के चक्करों में पड़ते हैं। आरएसएस की एक खुद की विचारधारा है जो हिंदुत्व की तरफ झुकी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ वो राष्ट्रधर्म की भी बात करते रहते हैं। आरएसएस कभी भी ये नहीं कहता कि वो खुद बीजेपी का कोई एजेंडा तय करती है, या फिर उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि बीजेपी के राजनीतिक फैसलों को वो कभी प्रभावित भी करती है। लेकिन जैसा कि आरएसएस अपने स्वयंसेवकों को बीजेपी को एक कैडर के तौर पर देती है, तो जाहिर है उसकी वापसी में वो बीजेपी को आरएसएस की विचारधारा के साथ व्यवहारिक होने के लिए कहती है, और इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। बीजेपी की सरकार भी समय समय पर आरएसएस की विचारधारा को लागू करने की कोशिश करती ही है, और इसमें छुपाने वाले भी कोई बात नहीं है। इसीलिए उन्होंने आर्टिकल 370 को हटाया, राम मंदिर का जो मुद्दा था उसको पूरा किया। मोहन जी भागवत और नरेंद्र मोदी जी के बीच के संबंध कैसे हैं, ये बताने के लिए मैं बस एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब नरेंद्र मोदी नए नए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में उन्होंने एक स्वयंसेवक के रूप में ज्वाइन किया था, तो उस वक्त गुजरात के प्रांत प्रचारक थे मोहन जी भागवत जी के पिता, और नरेंद्र मोदी जी ने उन्हीं के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में वो आगे बढ़ते रहे। और अगर आप देखोगे तो मोहन जी भागवत जी ने भी अपने जीवन को एक प्रचारक के रूप में ही शुरुआत की थी। तो वैसा देखा जाए तो दोनों ने ही अपने जीवन की शुरुआती दिनों में अपने प्रचारक के जीवन को जिया है, इसीलिए उनके बीच का संबंध कैसा है ये कभी ना ही किसी मीडिया को समझ में आ सकता है और ना ही किसी राजनीतिक नेता को समझ में आ सकता है, क्योंकि कुछ रिश्ते सार्वजनिक मंच पर नहीं दिखाई जाते हैं या फिर कह नहीं जाते हैं। और वैसे भी आरएसएस को भी ये पता है कि अभी की राजनीतिक स्थिति में
पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दे तो कोई और राजनीतिक दल उनकी विचारधारा के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या अरविंद केजरीवाल जी के बस कुछ सवालों से आरएसएस को सच में कोई फर्क गिरता भी है? मुझे तो नहीं लगता है दोस्तों। मुझे ये लगता है दोस्तों कि आरएसएस और बीजेपी एक दूसरे के साथ उस शादी के गठबंधन में ऑलरेडी है जिसमें अरविंद केजरीवाल जी बेगानी अब्दुल्ला बनी घूम रहे हैं, जबकि उनकी कोशिश है कि वो बीजेपी और आरएसएस के अंदर दरार पैदा करने की कोशिश करें। तो मुझे नहीं लगता कि वो सफल हो पाएंगे, बल्कि उनके ये बयानों से वो दिखा दे रहे हैं कि आजकल की राजनीति में बस भारतीय जनता पार्टी ही नहीं तो विपक्षी पार्टियां भी आरएसएस को गंभीरता से लेने लगी हैं, या फिर आरएसएस की राष्ट्रीय राजनीति में, मेनस्ट्रीम राजनीति में जो एक प्रेजेंस है उसको वो गंभीरता से लेने लग गए हैं और उनको उन्होंने मेनस्ट्रीम राजनीति में लाकर खड़ा कर दिया है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अरविंद केजरीवाल जिनको जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है आरएसएस और बीजेपी के संबंधों को समझना। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े हैं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमें और आगे बढ़ने में आसानी होगी। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।